हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन केमिस्ट्री कैप्सूल। मैं राजेश कुमार और आज की वीडियो रहेगी क्लास नाइन्थ के लिए और चैप्टर फ्रॉम इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो क्या रहेगा आज की वीडियो का टॉपिक? आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा कंपाउंड्स, एंड कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस। तो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था प्योर सब्सटेंसेस के बारे में और उसमें डिटेल में डिस्कस किया था एलिमेंट्स को। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कंपाउंड्स को। तो थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं क्या कुछ हैं प्योर सब्सटेंसेस। सो प्योर सब्सटेंसेस आर दोज विच आर हैविंग ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें केवल एक ही तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वही प्योर सब्सटेंसेस होंगे। तो जितने भी प्योर सब्सटेंसेस होंगे उनको हम कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं? उनको हम डिवाइड करते हैं टू कैटेगरीज में, और वो रहेंगे एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। और एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंसेस। और क्या रहेगी डेफिनेशन एलिमेंट के लिए? इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए सब्सटेंस विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इंटू मोर सिंपलर फॉर्म। तो एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस होगा, और एलिमेंट किस तरह का प्योर सब्सटेंस है? तो एलिमेंट एक सिंपलेस्ट फॉर्म होगी सब्सटेंस की, और उसको हम और ज्यादा सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो वो प्योर सब्सटेंसेस रहेंगे एलिमेंट्स। और मैंने एलिमेंट्स को भी क्लासिफाई किया था थ्री कैटेगरीज में। एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो हमने एलिमेंट्स को डिवाइड किया था थ्री कैटेगरीज में, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो अब मैं कंपाउंड्स की डेफिनेशन को लिखूंगा यहाँ पर। उसके लिए हम कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स का यूज करेंगे। उसकी डेफिनेशन को लिखने के लिए कौन कौन से वो वर्ड होंगे जिनका हम यूज करेंगे कंपाउंड्स को डिफाइन करने के लिए? तो हम यूज करेंगे फिक्स्ड रेशियो ऑफ मासेस ऑफ एलिमेंट्स का, और इसमें यूज करेंगे एक वर्ड होगा केमिकल कॉम्बिनेशन का, एक वर्ड हम और यूज करेंगे प्योर सब्सटेंसेस का। तो इन वर्ड्स को हम कंपाउंड्स की डेफिनेशन में यूज करेंगे। तो क्या रहेगी कंपाउंड्स की डेफिनेशन? सो कंपाउंड्स आर द प्योर सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इन फिक्स्ड रेशियो ऑफ देयर मासेस। तो इस तरह से ये यहाँ पर अपनी डेफिनेशन कंपाउंड्स के लिए कंप्लीट होती है। इसमें हमने यूज किया है फिक्स्ड रेशियो ऑफ मासेस ऑफ एलिमेंट्स, और इसमें हमने यूज किया है प्योर सब्सटेंसेस को भी, और इसमें हमने यूज किया है केमिकल कॉम्बिनेशन वर्ड्स को भी।
तो कंपाउंड्स के लिए क्या डेफिनेशन रहेगी? कंपाउंड्स आर द प्योर सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन, किन का होगा केमिकल कॉम्बिनेशन, टू या मोर देन टू एलिमेंट्स का केमिकल कॉम्बिनेशन होगा, और कितनी अमाउंट लेंगे हम उन एलिमेंट्स की, उन एलिमेंट्स के मासेस की हम फिक्स्ड अमाउंट लेंगे, और वही फिक्स्ड अमाउंट उन एलिमेंट्स की जब केमिकल कॉम्बिनेशन करेगी तो हमें एक नया सब्सटेंस मिलेगा, एंड द न्यू सब्सटेंस वी ऑब्टेंड इज कॉल्ड कंपाउंड। तो एक नया सब्सटेंस बनता है किन्हीं दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के फिक्स्ड रेशियो ऑफ मासेस का जब केमिकल कॉम्बिनेशन होगा तो एक सब्सटेंस मिलेगा, वो सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस होगा, और वही प्योर सब्सटेंस क्या होगा, कंपाउंड। तो कंपाउंड को समझने के लिए हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देंगे और उसकी हेल्प से हम ये देख पाएंगे कि जो हम वर्ड यहाँ यूज कर रहे हैं फिक्स्ड रेशियो ऑफ देयर मासेस का, तो वो भी क्लियर हो जाएगा उससे। तो इसके लिए मैं इस डेफिनेशन को यही रखूँगा ताकि जब कोई हम एग्जांपल को डिस्कस करेंगे उन एग्जांपल की हेल्प से हम ये देखेंगे कि जो हमने इस डेफिनेशन में बताया है वो ठीक है या नहीं है। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ वाटर का। वाटर इज ए कंपाउंड एंड वाटर इज प्योर सब्सटेंस। तो हम यहाँ देख रहे हैं इस कंपाउंड वाटर को बनाने के लिए हमने टू एलिमेंट्स का यूज किया है, और वो कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन जिसके लिए सिंबल रहेगा H, और दूसरा रहेगा इसमें ऑक्सीजन, उसका सिंबल रहेगा O। तो जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ कंबाइन करेंगे केमिकली इन फिक्स्ड रेशियो ऑफ देयर मासेस तो वो वाटर की फॉर्मेशन करेंगे। तो क्या रहेगा वो फिक्स्ड रेशियो, यहाँ पर हम देख रहे हैं हाइड्रोजन के टू एटम्स हैं और ऑक्सीजन का वन एटम है, और हाइड्रोजन के एक एटम का मास वन है और ऑक्सीजन के एटम का मास 16 लेते हैं। तो जो इसमें वाटर में मास होगा हाइड्रोजन का 1 × 2 = 2, और मास होगा वाटर में ऑक्सीजन का वो क्या रहेगा, वन एटम है ऑक्सीजन का वाटर में, और वन एटम का मास कितना होता है 16। अभी मैं यहाँ कोई यूनिट का यूज नहीं कर रहा हूँ इसको समझाने के लिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वाटर में मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है 2 और मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 16। तो अब हम इनके मासेस का रेशियो लेंगे, तो क्या रेशियो रहेगा, वो रेशियो ऑफ मासेस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर। तो क्या रेशियो रहेगा वो देखते हैं हम। मास ऑफ हाइड्रोजन को हम डिवाइड करेंगे बाय मास ऑफ ऑक्सीजन से उस रेशियो को देखने के लिए। तो हाइड्रोजन का मास कितना है, यहाँ पर टोटल मास ऑफ हाइड्रोजन है 2 और मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 16। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से 2:16, और जब इसको हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 1:8। इट इज द सिंपल रेशियो ऑफ मासेज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर। तो इन एलिमेंट्स के मासेज का रेशियो क्या होगा 1:8।
8, तो ये एक फिक्स्ड रेशियो है मासेस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर। तो यही कुछ बताया गया है कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के फिक्स्ड रेशियो ऑफ मासेस जब केमिकली कंबाइन करेंगे उससे एक प्योर सब्सटेंस बनेगा और वही प्योर सब्सटेंस कंपाउंड होगा। इसके लिए मैं एक एग्जांपल और लूंगा, उससे और भी क्लियर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लूंगा और वो क्या है कंपाउंड, वो है कार्बन डाई ऑक्साइड। तो इसके लिए हम सिंपल एग्जांपल्स का यूज करते हैं स्टार्टिंग में और हम केवल उन्हीं एग्जांपल्स की हेल्प से कंपाउंड्स की डेफिनेशन को समझते हैं जिन कंपाउंड्स के नाम का हमें पहले से पता होता है। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारा एक नॉन कंपाउंड है बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन आवर एटमोस्फियर। तो हम यहाँ देख रहे हैं इस कार्बन डाइऑक्साइड में दो एलिमेंट्स यूज किए गए हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के लिए सिंबल क्या है O। तो इस कंपाउंड के जो फॉर्मूले में हम देख सकते हैं देयर इज वन कार्बन एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड टू ऑक्सीजन एटम्स और मास ऑफ वन कार्बन एटम हम लेंगे इसके लिए 12 और मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम हम लेंगे 16। तो अब हम जो कार्बन और ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो रहेगा इस CO2 मॉलिक्यूल में उसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए टोटल मास ऑक्सीजन का कितना रहेगा 2 × 16, वो आ जाएगा 32। तो टोटल मास ऑफ ऑक्सीजन इन CO2 कितना रहेगा 32, क्योंकि यहाँ पर दो ही एटम्स हैं ऑक्सीजन के। तो अब हम रेशियो चेक करेंगे इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है और मास ऑफ कार्बन हम ऊपर लिखेंगे और मास ऑफ ऑक्सीजन हम नीचे लिखेंगे। तो टोटल मास कितना है कार्बन का उस मॉलिक्यूल में 12 और टोटल मास ऑक्सीजन का है यहाँ पर 32। और जब हम इसको डिवाइड करते हैं 4 की टेबल से और वो रेशियो क्या आ जाता है 3/8, और इसको हम लिख सकते हैं 3:8। और ये जो 3:8 का जो रेशियो है वो फिक्स्ड रेशियो है ऑफ मासेस ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के लिए कार्बन और ऑक्सीजन का हमें फिक्स रेशियो ऑफ मासेस का यूज करना पड़ेगा और उस फिक्स रेशियो के लिए कितना मास हमें कार्बन का लेना पड़ेगा और कितना मास हमें ऑक्सीजन का लेना पड़ेगा ताकि उनके केमिकल कॉम्बिनेशन से हम CO2 बना सके। तो वो फिक्स रेशियो रहेगा 3:8। तो अगर हम इस रेशियो को चेंज कर देंगे देन इन दैट सिचुएशन नो कार्बन डाइऑक्साइड विल फॉर्म। तो उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए हमें केवल एक फिक्स रेशियो ऑफ मासेस ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन का ही यूज करना होगा।